नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल धनोरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कबड्डी 1008.com पर। जैसा कि दोस्तों आप डेली देखते हो, आप अपने चहेते खिलाड़ी, अपने फेवरेट प्लेयर को देखते हो, उनकी जीवनियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको पता चलता है। आज ऐसे ही एक स्टार खिलाड़ी जो हरियाणा के बहुत ही पुराने स्टार खिलाड़ी हैं और आज खेल के साथ साथ एक अच्छे कोच भी हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे खिलाड़ी तैयार किए हैं और आज भी हरियाणा में जिनका नाम चलता है, आपके सबके फेवरेट खिलाड़ी मिलवाते हैं आपको तेलू कुंभा जी से। तेलू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कबड्डी 1008.com पर। सभी भाइयों को राम राम। ये आपका जन्म स्थान, उसके बारे में कुछ बताइए। जन्म स्थान गाँव कुंभा। और अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा, आपके फैन जानना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ही पुराने खिलाड़ी हो हरियाणा के, सभी दर्शक जानना चाहते हैं। माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं। और आपको मतलब मम्मी पापा ने शुरू में कबड्डी के लिए सपोर्ट किया जी? हाँ किया था। आप प्लस टू पास हो और आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली, इंटरेस्ट कहाँ से पैदा हुआ था कि आपको कि मुझे कबड्डी खेलनी चाहिए? मेरे गांव का एक रेडर था जगदीश, बहुत बढ़िया, उसने देख कि मैं कबड्डी खेलनी शुरू की थी, वो मंच पर का बनूँ। शुरू में मैं रेड मारा था मेरे गाँव में, 4-5 साल का रेड मारी। तो आपने अपने गाँव के प्लेयर को देख कर कबड्डी स्टार्ट की। तो आपकी उम्र कितनी थी जब आपने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया था? मेरी 14 साल। आपको याद हो आपने कबड्डी खेलना वेट से स्टार्ट किया था जी या डायरेक्ट आपने ओपन से ही स्टार्ट किया था? नहीं, वेट में मैं कभी नहीं खेला, सीधा ओपन में आया था। आपको याद हो तेलू जी, आपके फैन और दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने पहला बेस्ट का खिताब कब मिला था और कहाँ पर मिला था? पहले जब मैं रेड मारता था, पहला बेस्ट रेड रहा था मैंने लगाऊँ में, पहली बार 11,000 इनाम टिका था। वहाँ सारी टीम जा रही थी हरियाणा की जितनी भी थी, और वहाँ फर्स्ट टीम आई थी मेरी और बेस्ट रहा था मैं। जहाँ तक आपको लोग जानते हैं जी कि आप एक स्टॉपर के नाम से जाने जाते हो हरियाणा में, एक बेस्ट कैचर के नाम से जाने जाते हो, तो आपको बेस्ट रेडर का खिताब मिला था, तो अचानक आप पीछे से एक अच्छे इतने सुपरस्टार स्टॉपर कैसे बने? आपने चेंज क्यों की अपनी शैली? चेंज तो फिर मैं पहले गाँव में खेलता, फिर बनभोरी में खेलने लगा, बनभोरी में खेलने उन्होंने स्टॉपर की जरूरत थी, फिर मैं उनमें खेलने लगा, तो पहली बार हम खरगटन गए थे, वहाँ टूर्नामेंट हुई थी, वहीं मैं बेस्ट कैचर रहा था। तो तेलू जी, जब आपने खेलना स्टार्ट किया था, क्या आपके गांव की टीम थी या किसी और टीम से खेलना स्टार्ट किया था आपने? ना, शुरू में जब मैं पहले खेलता मेरे गांव की टीम बहुत अच्छी थी, गांव में ही रेड मारता था। तो इसके अलावा आप गांव की टीम के अलावा आप कहां पे खेल रहे हो, किस क्लब में खेलते हो हरियाणा की तरफ से आप? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप क्लब, जो हरियाणा का अच्छा क्लब है। तेलू जी, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपका टाइम था, बहुत पुराने खिलाड़ी हो आप भी हरियाणा के, तो उस टाइम में और आज के टाइम में आपको कबड्डी में क्या फ़र्क लग रहा है? आप आज भी खेल रहे हो युवाओं के साथ और पहले भी खेलते थे, आपका अच्छा नाम चला है, आज भी लोग मतलब सोचते हैं कि तेलू जी से हम कोचिंग ही लें, तो आपको क्या फ़र्क लग रहा है पहले की कबड्डी में और आज की कबड्डी में? पहले तो कबड्डी में कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ था, पैसा भी है, इज्जत भी है, पहले तो कुछ तो कोई भी देख, दर्शक भी नहीं देखे, इतना कुछ पैसा भी नहीं था, कासन भांडे आ रहे, यहीं पहली बार 11,000 नहीं लट गया था, जिससे पहले तो कासन मिले आ रहे वैसे। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि आज जो कबड्डी है वो अच्छी तरक्की कर रही है? बहुत ज़्यादा। तो तेलू जी, आप आने वाला टाइम है जो कबड्डी का, उसमें मतलब आप एज ए कोच रह रहे हो या मतलब आज भी आप खेल रहे हो अगले सीजन में? मैं आज भी खेल रहा हूँ। तो जो आपकी एकेडमी है, आपने अच्छे अच्छे बच्चे तैयार किए हैं, ये आपको कहाँ से मिला कि मैं भी एक कोच बनूँ? कैसे सोचा आपने कि मैं एक एज ए कोच रहूँ? पहली बार मैंने कोचिंग कुंभा ग्रुप में की थी जी, वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी। तो आपके कोई बेस्ट खिलाड़ी जिनको आज पब्लिक जानती है, उनके बारे में थोड़ा बताइए कि हमने इन प्लेयरों को तैयार किया है। दीपक कुंभा। दीपक कुंभा, तो पब्लिक जानती है कि दीपक आज स्टार हैं जी, अच्छा नाम है हरियाणा में, मतलब आपने उनको जो तैयारी करवाई, आप उनसे खुश हैं कि उनका फल आपको मिल रहा है? बिल्कुल खुश, बहुत ज़्यादा खुश। तेलू सर, हम जानना चाहते हैं, आपके टाइम में भी बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड मिलता था, अगर आज के टाइम में जो इनाम है वो आपके टाइम में होते, जैसे बाइक है, घोड़े हैं, जीप हैं, तो लगभग आप कितनी जीत चुके होते? कम से कम 150-200 तो होंगे। मतलब आप टोटल आज तक 150-200 बार बेस्ट स्टॉपर रहे हो? बिल्कुल रह चुके हैं। तेलू जी, एक बात होती है कि हर इंसान का कोई आइडल होता है, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप एज ए बेस्ट कैचर और एज ए बेस्ट रेडर किसको लाइक करते हैं? कैचर तो मैं उस टाइम पर बड़े शबिंदर को समझा रहा था, ये भी रेडर मेरा एक ही दीपक कुंभा, दीपक कुंभा जिसको मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। चलो जी, बहुत अच्छी बात है, आपके स्टूडेंट हैं, आपके ही पुत्र हैं, बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, जो आपका सर फकर से ऊंचा कर रखा है उन्होंने। आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जो युवा आपको देख कर मतलब आइडल मानते हैं कि मैं भी तेलू जी की तरह कैचर बनूँ,
या जो बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं, जो हमारे हरियाणा के युवा हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? नए बच्चों के लिए है, मेहनत करो और नशे से दूर रहो और सुबह शाम ग्राउंड पे आओ, लगातार ग्राउंड करो। तो तेलू जी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे चैनल कबड्डी 1000.com को अपना कीमती समय दिया जी। थैंक यू। तो प्यारे दोस्तों, ये थे हमारे हरियाणा के पुराने सुपरस्टार तेलू कुंभा जी। अगर आपको इनका इंटरव्यू अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय कबड्डी, जय हरियाणा।